क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वी विल रिवाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक पेज नंबर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है. द राइट आंसर इज कैश बुक. और यही ये आपको याद रखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है. यही क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं और है भी वो इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स का पहला वाला आप यदि देखें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, ये आपको याद रखना है. वन वर्ड में भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे. राइट द आंसर इन वन वर्ड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, याद रखिएगा. सेकेंड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है समाज के लोगों की सेवा करना, टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी. नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड एज एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड. यदि डोनेशन हमको मिल रही है तो ये तो इनकम है, लेकिन यदि आपने कोई भी इनकम यदि आप एडवांस में रिसीव कर लें तो ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस की. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अपीयर होती है जितनी भी एडवांस इनकम्स हैं. और डोनेशन के बारे में भी वो यही लिख रहे हैं क्वेश्चन में, डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 4, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन आते हैं. तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर, केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए. तो ये आपसे ये वाला क्वेश्चन वो वर्ड वर्ड में भी पूछ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू आइटम्स. नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड बाय. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है. द करेक्ट आंसर इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग फर्म, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड यानी बिजनेस नहीं करते वो लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, ये हम पहले देख चुके हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा. इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम. एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम्स कम है तो देयर विल बी डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट होता है, कमी जिसको हम कहते हैं. एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम्स कम है, यहां लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम. एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो डेफिसिट होगा. नेक्स्ट इज ओनली ब्लैंक आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी हम अभी देख चुके हैं कि केवल रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कीप्स देयर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट बाय ब्लैंक मेथड, कैश मेथड से ये लोग अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. तो अभी मैंने बताया आपको एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो डेफिसिट होगा और इनकम्स ज्यादा हैं तो सरप्लस होगा. ट्रू फॉल्स, नो एडजस्टमेंट्स आर मेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये ट्रू है. याद रखिए हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं. प्रोफेशनल पीपल मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम, चाहे प्रोफेशनल पर्सन हो या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दे यूज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये कैश सिस्टम से अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश बैलेंस. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की ही समरी है, इसलिए वो ओपनिंग कैश बैलेंस से ही स्टार्ट होगा. द
देन रिसीट पेमेंट अकाउंट इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन पता नहीं चलती. दिस इज ट्रू क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होते. इसमें सारे आइटम्स आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो. इसलिए इसको बनाने से हमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन पता नहीं चलती. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ये गलत है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का नियम याद होगा आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हम ऐसे ही बनाते हैं. डेबिट में हम एक्सपेंडिचर और अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम इनकम्स और अमाउंट लिखते हैं. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है. आंसर इन वन वर्ड, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो वैसे तो सोर्सेज ऑफ इनकम कई हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन मेजर सोर्सेज आप लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप फीस है, ये दो आप लिख सकते हैं. इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो लाइफ मेंबरशिप फीस भी होती है, डोनेशन होती है, लेगेसीज होती है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है. इन सबसे हमको पैसा मिलता है. बस फर्क ये रहता है कि कुछ कैपिटल आइटम्स होते हैं, कुछ रेवेन्यू आइटम्स होते हैं. तो इसमें आपको फर्क करते बनना चाहिए. तो यदि क्वेश्चन आता है कि दो मेन सोर्सेज के नाम लिखिए, तो आप केवल लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फीस, ये पर्याप्त. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से. तो ऑब्वियस है कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश की पोजिशन पता लगाने के लिए ही बनाया जाता है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस ही होगा. नेक्स्ट, ऑन विच सिस्टम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. कौन सा सिस्टम यूज करते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है कैश सिस्टम. वेयर इज ओपनिंग कैपिटल रिटन. ओपनिंग कैपिटल लिखी जाती है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. बाय विच अकाउंट हेल्प द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. किस अकाउंट की हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, उसकी सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. दैट्स ऑल.